गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो, या कुछ जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा। और सर्वे करके सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे तीन विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के कर्मचारी भी रहे, और पंचायत विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधि रहे। और संयुक्त सर्वे इसलिए कि कहीं कोई बेईमानी भी ना हो और कोई उंगली भी ना उठे। और सर्वे में जिस नुकसान का आकलन होगा उसको हम पंचायत भवन में चिपकाएंगे कि भाई इस किसान का इतना नुकसान हुआ है। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल। ताकि सबके सामने सारी चीजें क्लियर रहे। उसमें भी कोई को आपत्ति है तो फिर हम देखेंगे कि आपत्ति में अगर कोई समस्या तो फिर उस आपत्ति का निराकरण भी सर्वे करके करें। मैं अगर हूं तो इसलिए कि किसानों को राहत दूं, अपनी मेहनत मजदूरी, दिन रात खेतों पर खड़ा रहता है किसान। आज किसान बहने भी आई है, क्योंकि अकेले भाई मेहनत नहीं करते, बहने भी मेहनत करती है, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, और केवल पानी नहीं देते, अपना खून पसीना बना बना के भी खेतों में टपकाते हैं किसान, तब अन्न के कुछ दाने घर पे आते हैं। और आने के पहले अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान पूरी तरह से टूट जाता है।